हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमें स्टार्ट करेंगे हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एमपीपीएससी एग्जाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ना कि सिर्फ एमपीपीएससी, हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें फोकस रहना थ्रू आउट द ईयर, या हम बोलें तो जब तक हम प्रिपरेशन करते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्टडी टाइमिंग में है काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। मतलब आप पढ़ने बैठे हैं बट आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ गए, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे, या पढ़ते पढ़ते आपने मोबाइल यूज़ करने लगे, तो उस सब चीज़ों से आप पढ़ते तो रहेंगे लेकिन आप जो है आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ से। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे हम प्रॉपर फोकस कर सकें अपनी स्टडी में। आपका फोकस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है आपके सराउंडिंग में। तो हम एक एक करके हर एक डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि उनसे ओवरकम भी कैसा करना है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस चैनल पर मैं आपको पूरी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कराऊंगी एकदम फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के ऊपर। तो हम देखते हैं क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। पहली चीज़ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंसान से मिले, आपने किसी फ्रेंड को बताया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव थाट भरते हैं। तो आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थाट भर जाएगा तो उससे ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको वही वही चीज़ हमेशा बार बार याद आएगी। कोई इंसान आपसे मिला और उसने आपसे ये चीज़ कह दी आके कि नहीं यार, तुम एमपीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, या तुम कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, तो आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी। या आपसे कोई आगे ये कह देगा यार एमपीपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ो, तुम ये दूसरा एग्ज़ाम है इसके बारे में देख लो, इसका सिलेबस भी काफ़ी ईजी, ये तो आराम से एक साल में निकल जाएगा, इसकी पोस्ट भी अच्छी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलने लगेगी। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। जैसा आपको पता चल जाए कि ये नेगेटिव इंसान है, ये हमेशा नेगेटिव बातें करता है, ये मुझे हमेशा डीमोटिवेट ही करता है, तो मुझे इससे दूर रहना है। आप उनसे दूर रहिए, आप उनसे जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनसे बिल्कुल भी बात मत कीजिए। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आप एग्ज़ाम देके आ जाएंगे, आप फिर उनसे आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक आप उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव थॉट्स के अलावा वो आपसे आपको कुछ भी नहीं देंगे। नेक्स्ट होता है यूज़फुल ऐप। यूज़फुल ऐप मतलब क्या, कुछ ऐसे ऐप्स आपके मोबाइल में प्रेजेंट रहेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो आपको हमेशा बताते रहेंगे कि आपका जो है मोबाइल का ज़्यादा टाइम आपने कहाँ पे वेस्ट किया। आपने यूट्यूब पे ज़्यादा वेस्ट किया, आपने फेसबुक ज़्यादा चलाया, इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाया, कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा चलाई है, तो वो आपको हमेशा अपना टाइमिंग बताते रहेंगे कि आपने इतने घंटे टोटल मोबाइल यूज़ किया है, और जिसमें से आपने इतने घंटे, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा आ रहा कि आपने 3 घंटे मोबाइल यूज़ किया, तो उसमें से लिखा आ जाएगा 3 घंटे में से आपने कितने घंटे यूट्यूब पे टाइम स्पेंड किया, कितने घंटे फेसबुक पे, कितने घंटे इंस्टाग्राम पे। तो यूट्यूब पे फिर भी हम जाने का समझ सकते हैं कि हाँ आप कुछ पढ़ाई की चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो उसका आप एक्टिविटी देख सकते हैं, आप कब तक यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसको आप जो है यूज़फुल ऐप ऐसे कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐप होते हैं जब तक आप स्टडी कर रहे होंगे तब तक आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। आपने फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का टाइमर लगा दिया कि 1 घंटे तक मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, तो 1 घंटे का टाइमर लगा के आपने रख दिया। उसके बाद जब 1 घंटे हो जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका 1 घंटा पूरा हो गया है, तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और आप मोबाइल चला सकते हैं 5-10 मिनट ब्रेक के बाद, और फिर उसके बाद फिर से आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। तो वो 1 घंटे में, लेकिन वो ऐप आपको मोबाइल चलाने के लिए नहीं देगा। तो आप एक यूज़फुल कुछ ऐसे ऐप्स मिलते हैं जो आपका टाइम ट्रैक कर सकें और आपको जो फोकस करके रख सकें, ऐसे ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फेसबुक बिल्कुल यूज़ मत करना, इंस्टाग्राम भी यूज़ मत करना, व्हाट्सएप आप यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें हेल्प तो नहीं करती आपको इतना, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर देती हैं। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अपना अकाउंट डिलीट कर दें जाके, या तो फिर आप जो है कसम खा लें कि आज से जो है 1 साल बाद तक, या तो जब तक मेरा एग्जाम खत्म नहीं होता, मैं जो है इसको यूज़ नहीं करूँगा सोशल मीडिया के लिए। तो आप सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा कम एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ें फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई भी रिलेशनशिप जो आप टॉक्सिक रखे हुए हैं अपनी लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रखे हुए हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि ये सारी चीज़ें आपको कभी भी काम में नहीं आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपका गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, तो आप उनसे सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे बात करके, कुछ नॉलेज की चीज़ें तो वो आपको देंगे नहीं, लड़ाइयाँ होंगी आप दोनों के बीच में। इससे बेटर है कि आप लोग जो है रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना जाए। बड़ा फ्रेंड सर्किल होगा आपका तो वो आपको कॉल करके परेशान करेंगे, आपसे कॉल करके आपके हालचाल पूछेंगे, उससे बेटर है कि आप बैठ के कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको अपना जो बड़ा फ्रेंड सर्किल है, आपको जो ये सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप्स वगैरह, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा।
आप उस इंसान से जाके कह दीजिए आज से 1 साल बाद मैं आपसे बात करूंगा आके, या कुछ टाइम बाद मैं आपसे आके बात करूंगा, अभी मुझे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर वो इंसान अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो आपकी बात समझ जाएगा, अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो वो आपकी बात नहीं समझेगा। और इट्स बेटर कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 साल बाद जब आपका एग्जाम निकल जाता है, आप अपने वापस फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, वापस अपने जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे आप बात कर सकते हैं, बट 1 साल तक आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत कीजिए। चीज़ है ट्रैक टाइम। अब ट्रैक टाइम में हमें क्या करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए। इसमें आपको ये करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं जो आपका टाइम ट्रैक कर सके, आपने कितने घंटे मोबाइल चलाया है और आपने कहाँ कहाँ मोस्टली अपना टाइम यूज़ किया है, किस सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपने यूज़ किया है, आपने कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वो आपको एक दे देगा एक टाइम कि आपने इतना इतना यूज़ किया है। तो उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, हर एक दिन आप नोट करना उस चीज़ के लिए कि मैं कितना टाइम यूज़ वेस्ट करता हूँ अपना, और किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ आपके स्टार्टिंग से तो आनी जाएगी कि आप दूसरे दिन ही एकदम से तुरंत चीज़ें बंद कर दें, अपनी सोशल मीडिया तुरंत बंद कर दें या कुछ भी चीज़ आप एकदम से बंद कर दें, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या है, डेली आप लिखा करिए कि मैंने आप आज इतना टाइम वेस्ट किया, डेली धीरे धीरे करके आप इस टाइम को कम करेंगे। कि अभी आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे तक यूट्यूब चलाया, तो आप नेक्स्ट डे जो है उसको थोड़ा कम करेंगे, फिर तीसरे दिन थोड़ा और कम करेंगे। तो धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को कम करते जाएंगे और आपका जो है ट्रैक टाइम जो आपका होगा, जो टोटल यूजेज होगा, अगर आपका वो कम हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो आप समझ लीजिए आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। और जैसा आप उसमें से टाइम सेव करते जाते हैं, फिर आपने फॉर एग्जांपल जैसा आप टाइम सेव करते जाएंगे आगे जाके, उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए अपनी पढ़ाई में। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ देखना है कि मैं अपना मोस्टली टाइम कहाँ यूज़ कर रही हूँ और किस चीज़ के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपको डाउट है कुछ भी रिगार्डिंग, आपको जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं हर एक इंसान का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।